मेरा नाम है सुशील यादव, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिंद से। तो ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? यह प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। इस हमारे लगभग 15 से 20 बिंदु हैं, जो कि हम कई बार SDM महोदय और तहसीलदार मोहनलालगंज से बात किए, पर उन्होंने कई बार हमें आश्वासन दिया। हमारे तहसील अध्यक्ष राम सिंह धीमान जी से बात हुई, पर हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अब यह धरना आज से प्रारंभ हुई है और यह धरना अनिश्चितकालीन रहेगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग यहां से उठने वाले नहीं। हमारे धरना लगाने का यहां प्रयोजन है इस तहसील को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का उद्देश्य। तो यहां पर आपको क्या कमियां नज़र आ रही हैं जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहां एक कमियां हो तो मैं गिनाऊँ, इतनी सारी कमियाँ हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे उतराव में कोटेदार को के 2003 से उसके खिलाफ बराबर जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सस्पेंड किया जाता है और पैसे दे करके वो फिर बहाल हो जाता है। किसानी की जब 26 सूत्री मांग है उनको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी SDM महोदय के पास हमारी पूरी संयुक्त टीम गई थी बात करने, लेकिन बात में सिर्फ आश्वासन मिलता है। एक किसान बेचारा सुबह घर से निकलता है और शाम तक कचहरी तहसील के चक्कर काटता है, तहसील में SDM के पास जाता है, SDM लेखपाल के पास देता है, लेखपाल SDM के पास देता है, हालांकि और उसको न्याय नहीं मिलता। इसमें इस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित किसान है, हाईकोर्ट का आदेश उसके पास है, उसके पक्ष में है, लेकिन उसके बाद भी SDM साहब हिला हवाली कर रहे हैं, इस तरह से अत्याचार, किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन SDM साहब के खिलाफ जांच करनी चाहिए कि आखिर इन्होंने आज तक कितने कार्य किए, किसानों के हित में कौन से काम किए और भू माफियाओं के लिए कितने कार्य किए हैं। देखिए, जो समस्या है बड़ी विकट समस्या है, ये सिर्फ एक मामली से एक तहसील की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, हर जनपद में अपनी एक समस्या है। हर जनपद की तहसील में अगर आप जाएंगे, आप सर्वे करेंगे तो देखेंगे सुबह शाम तक वहाँ पर किसान अपना एक कागज लेकर सुबह से शाम वहीं बिता देता है और उसको न्याय नहीं मिलता है। कारण ये है कि जो तहसील में अधिकारी बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके अनुसार जो अभी ब्लॉक प्रदेश महामंत्री ने बताया है कि ये लोग हाईकोर्ट का भी आदेश नहीं मान रहे, ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये बात सत्य है। जब पीड़ित परिवार को, पीड़ित किसान को हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, उसकी ज़मीन को छुड़ाने का आदेश हो चुका है, तो ये SDM इसमें क्यों नहीं रुचि ले रहे हैं? क्यों SDM इनको आश्वासन दे रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ पर जाकर अवैध निर्माण